हेलो दोस्तों, आप सभी का डेली जॉब अपडेट चैनल की ओर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वैकेंसी जो कि बम्पर भर्ती आपके लिए खुशखबरी के साथ हमने लाने की कोशिश की है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो वैकेंसी लानी है दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार की ओर से यहाँ पे मेडिकल काउंसिलिंग एंड एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से यहाँ पे बल्क में वैकेंसी ओपन हो चुकी है। जी हाँ, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पे 4,946 पदों पर यहाँ पे टोटल वैकेंसी निकली है, जो कि बेहतरीन वैकेंसी जो कि बम्पर भर्ती के साथ आपके लिए हमने लाने की कोशिश की दोस्तों। जी हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो में आप पूरा हम डिस्कशन करने वाले कि किस प्रकार आपको यहाँ पे एप्लीकेशन करना है, जो कि डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एंड एजुकेशन रिसर्च सेंटर में, जो कि वैद्यकीय शिक्षण संस्था की ओर से यहाँ पे बल्क में वैकेंसी उन्होंने निकाली। जी हाँ, कि अगर आप इंटरेस्टेड है, क्योंकि यहाँ पे जो बल्क में वैकेंसी निकले जो डायरेक्ट वैकेंसीज है, तो अगर आप यहाँ पे अगर अच्छे से यहाँ पे अप्लाई करते हो तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन पक्का हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो वैकेंसी है महाराष्ट्र सरकार की ओर से वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको टोटल 3 पदों पर यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप टेक्निकल नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से कैंडिडेट हो, वो कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ में जो स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पे बल्क में वैकेंसीज है, तो दोस्तों जो स्टाफ नर्स में अगर आपने एजुकेशन कंप्लीट किया हुआ है, तो वो भी कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ध्यान से देखकर वहाँ पे आवेदन कर पाओगे, क्योंकि हम इस वीडियो में पूरा डिस्कशन करने वाले किस प्रकार आपको यहाँ पे आवेदन करना है, क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी आपका होगा, किस प्रकार आपका सिलेक्शन होगा, पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखकर वहाँ पे आवेदन कर पाओगे। तो ठीक है दोस्तों, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसका लिंक शेयर कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम पूरा डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, जो कि डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड डी डायरेक्टर ऑफ आयुष ऑफ मुंबई की ओर से यहाँ पे महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ पुणे की ओर से यहाँ पे रिक्रूटमेंट जारी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम फॉर 2023 की ओर से यहाँ पे रिक्वायरमेंट फॉर द नर्सिंग टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ग्रेड के लिए यहाँ पे वैकेंसीज यहाँ पे निकली हुई है दोस्तों। जी हाँ, इस वीडियो में वही हम देखने वाले कि जैसे कि हम यहाँ पे पोस्ट की बात करें, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप टेक्निकल बैकग्राउंड टेक्निकल पद के लिए यहाँ पे 905 वैकेंसीज यहाँ पे निकली है दोस्तों। देन उसके बाद जो नेक्स्ट नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से 67 वैकेंसीज आपको देखने की मिलेगी। और दोस्तों सबसे ज्यादा वैकेंसी जो निकली हुई है दोस्तों, स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पे बेहतर वैकेंसी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, कि अगर आप गवर्नमेंट की ओर से यहाँ पे वैकेंसी होने की, जो 3,997 जो 74 वैकेंसी जो निकली है दोस्तों, टोटली 3,000 से ज़्यादा वैकेंसी जो स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। ऐसे टोटल वैकेंसी आपको 4,946 वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली दोस्तों। जी हाँ, आप देख पा रहे हो यहाँ पे टोटल वैकेंसीज यहाँ पे निकली है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर एग्जाम की बात करें, आप देख पा रहे हो यहाँ पे टोटल जो नॉन टेक्निकल एंड टेक्निकल बैकग्राउंड का जो आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, वो किस प्रकार यहाँ पे रहने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 सेक्शंस में आपका एग्जाम रहेगा। जैसे कि 25 जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से कैंडिडेट, टोटल आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चंस है, 1.5 घंटे का आपका टाइमिंग रहेगा। जो आपका सबसे पहले जो मराठी सब्जेक्ट के लिए दोस्तों टोटल 25 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। देन उसके बाद इंग्लिश सब्जेक्ट के 25 है, जनरल नॉलेज एंड जीके के 25 मार्क्स है, और रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के लिए 25 मार्क्स। ऐसे टोटल 100 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए आपका एग्जाम रहने वाला है। ठीक है, आपको 1.5 घंटा मिलेगा। आप यहाँ पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे अगर पक्का, अगर आप इस जो 4 सब्जेक्ट है, अगर इसमें आपका सही से आप यहाँ पे एग्जाम देते हो, तो आप यहाँ पे आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है। ठीक है, 4 सेक्शन में आपका होगा। देन उसके बाद जो नर्सिंग एंड टेक्निकल बैकग्राउंड के कैंडिडेट के लिए दोस्तों टोटल 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है, 1.5 घंटा आपको मिलेगा। यहाँ पर भी 4 सेक्शन में आपका एग्जाम होगा। जैसे कि देख सकते हैं मराठी सब्जेक्ट के लिए आपको 15 MCQ रहने वाले हैं। देन उसके बाद इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए 15 MCQ। देन दोस्तों उसके बाद जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के लिए दोस्तों 30 क्वेश्चन आपके रहेंगे। देन उसके बाद नर्सिंग एंड टेक्निकल जो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड जो क्वेश्चन रहने वाले हैं, उसका 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इस प्रकार आपका यहाँ पे क्वेश्चन पैटर्न रहने वाला है। टोटल इस प्रकार उन्हें टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के कैंडिडेट के लिए यहाँ पर स्पेशली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपका निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है दोस्तों। अगर आप पूरा क्वेश्चन अटेंड करते हो, तो भी अगर आपका कुछ भी गलत हो जाता है, तो आप यहाँ पे आपका निगेटिव मार्किंग नहीं करने वाले दोस्तों। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ऑल क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हो, तो आपका निगेटिव मार्किंग नहीं रहेंगे। तो टोटल यहाँ पे 2 मार्क्स का जो हर क्वेश्चन रहने वाले, टोटल एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे टोटल 2 मार्क्स आपको एक क्वेश्चन को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो वैकेंसी है गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ पे निकली हुई है दोस्तों। तो जैसे कि आप देख सकते हैं महाराष्ट्र सरकार की ओर से वैकेंसीज है। तो दोस्तों आपका जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, तो आप देखते हैं हमने यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कशन किया है। तो दोस्तों जो लैंग्वेज रहेंगे वो मराठी और अंग्रेजी, ऐसे दो पैटर्न दो लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाले हैं। ठीक है, तो आपको दो मीडियम से आप यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपको मराठी और इंग्लिश दोनों भी लैंग्वेज आपको यहाँ पे रहने वाले हैं, तो आप दोनों लैंग्वेज में आप यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर एलिजिबिलिटी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो
ग्रेजुएट की चाहिए, तो अगर आप महाराष्ट्र, क्योंकि ये वैकेंसी जो निकली है दोस्तों महाराष्ट्र के लिए दोस्तों, तो अगर आप महाराष्ट्र से हो, अगर आपका डोमिसाइल अगर महाराष्ट्र से है, तो आप इजीली यहाँ पे आवेदन कर पाओगे दोस्तों। अदर महाराष्ट्र से अगर अदर सिटी आप अदर स्टेट से अगर हो, तो यहाँ पे आप आवेदन नहीं कर सकते। सिर्फ ये वैकेंसी ओनली फॉर महाराष्ट्र कैंडिडेट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने स्पेशली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है अगर आपका डोमिसाइल अगर महाराष्ट्र से है तो ही आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, तो हर पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसीज के साथ यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपका अलग अलग लगने वाला है, तो इसके बारे में हम सामने देखने वाले हैं किस प्रकार आप वहाँ पे जो आपका क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आप किस कौन से पोस्ट के लिए आप कहाँ आवेदन कर सकते हैं उसके बारे में हम सामने देखेंगे। और दोस्तों यहाँ पे अगर एज की बात करें, तो आप देख सकते हैं 18 से 38 ईयर तक अगर आप पास आपका एज है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 25 मई तक आपका 38, अगर आपका एज है वो 38 से ज़्यादा है, अगर आपका 38 तक है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मिनिमम यहाँ पे जो एज है 18 से 38 साल इतना होना चाहिए। और जो एससी कैंडिडेट, जो रिजर्व कैंडिडेट के लिए 5 साल रिलैक्सेशन है, तो यानी 38 प्लस 5 ईयर्स यानी 43 एज तक जो एससी एसटी कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो जॉब लोकेशन है आपका महाराष्ट्र में रहने वाला, आप महाराष्ट्र से कोई भी कौन से भी जिले में आपको यहाँ पे पोस्टिंग मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर फीस की बात करें, तो ओपन कैटेगरी के लिए दोस्तों 1000 रुपये यहाँ पे आपको फीस पे करना होगा। वही साथ में यहाँ पे जो रिजर्व कैंडिडेट है, वही रिजर्व कैंडिडेट उनके लिए दोस्तों 900 रुपये इतना यहाँ पे आपको सैलरी यहाँ पे करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में यहाँ से मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे लास्ट डेट जो 25 मई तक आपको यहाँ पे आवेदन करना है, लास्ट डेट आपका 25 मई है, उसके बाद आपका यहाँ पे एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों उसके पहले आपको यहाँ पे आवेदन करना है। तो चलिए उसके बाद हम यहाँ पे जो वैकेंसी निकले टोटल 4000 ज़्यादा से पद यहाँ पे जो निकले हैं, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में उसके बाद हम देखने वाले हैं। तो उसके पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जल्दी से जल्दी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने फ्रेंड सर्कल में इसका लिंक शेयर करें, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल पाए, उन्हें भी इसका जानकारी मिल पाए दोस्तों। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो यहाँ पे वेरियस पदों पर वैकेंसीज निकले, यहाँ पे पूरा लिस्ट दिया है, जैसे कि प्रयोगशाला के लिए दोस्तों 112 वैकेंसीज है, प्रयोगशाला सहायक के लिए दोस्तों 117 वैकेंसी निकले है, ग्रंथपाल सहायक के लिए दोस्तों वैकेंसी है, ग्रंथपाल स्वच्छता निरीक्षक के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है, ईसीजी तंत्रज्ञ आहार तज्ञ औषध निर्माता के लिए भी वैकेंसी है, टोटल 169 वैकेंसी उन्हें निकले, डॉक्यूमेंट कैटलॉग के लिए यहाँ पे टोटल वैकेंसी 19 वैकेंसी है, समाज अधीक्षक व्यवसायक दूरध्वनि हो गया, साथ में यहाँ पे महिला अधीक्षक वार्डन वस्तीपुर के लिए दोस्तों 5 वैकेंसीज है, शिवकिरण तंत्रज्ञ के लिए वैकेंसी है, अंधार खुली के लिए वैकेंसी है, शिवकिरण सहायक के लिए दोस्तों वैकेंसीज है। ऐसे दोस्तों वेरियस पोजीशन के लिए यहाँ पे वैकेंसी बल्क में वैकेंसी है, जैसे कि आप देख सकते हैं 905 वैकेंसी, हमने इसके पहले जो टेक्निकल रेट देखे थे तो वहाँ पे 900 जो वैकेंसी थी वही यहाँ पे वैकेंसी पूरा डिटेल्स में यहाँ पे वैकेंसी उन्होंने दी, आप देख सकते हैं दोस्तों सामने इसके बारे में और भी डिटेल्स में किस कैटेगरी में कितने वैकेंसीज अवेलेबल है उसके बारे में भी हम सामने देखने वाले दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, पूरा डिटेल्स में हम इस वीडियो में पूरा आपको जानकारी देंगे। तो देन उसके बाद दोस्तों जो सहायक वैद्यकीय शिक्षण संस्था की ओर से जो हम देखेंगे यहाँ पे परिचय संवर्ग में यानी स्टाफ नर्स के लिए दोस्तों टोटल 3900 इतना वैकेंसीज यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टाफ नर्स के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ पे निकले, 3000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज आपको यहाँ पे स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पे देखने को मिलने वाले दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो अतांत्रिक सवर्ग यानी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड यानी उच्च श्रेणी लघु लेखक के लिए दोस्तों 2 वैकेंसीज है, देन निम्न श्रेणी लघु लेखक के लिए दोस्तों 28 वैकेंसीज है, और लघु टंक लेखक यानी शॉर्ट हैंड के लिए यहाँ पे वैकेंसी दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे, साथ में टोटल वैकेंसी अगर देखिए तो 4946 वैकेंसीज यहाँ पे आपको मिलेगी देखने को। साथ में दोस्तों अदर्स भी वैकेंसीज है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आयुष्य संचालय में भी यहाँ पे वैकेंसीज निकली है, उसके बारे में भी हम पूरा यहाँ पे देखेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा डिटेल्स में दिया है। साथ में जो मानसिक स्वास्थ्य केंद्र जो पुना है यहाँ पे भी यहाँ पे वैकेंसी है, जो उच्च श्रेणी लघु लेखक अधिकारी लघु लेखक सहायक ग्रंथपाल इसे टोटल 5 वैकेंसीज है। तो दोस्तों यहाँ पे जो वैकेंसी निकली है तो इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए तभी आपको पता चलेगा किस पद के लिए उन्होंने क्या क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है, उसी प्रकार आप यहाँ पे आवेदन कर पाओगे, ठीक है। तो उसके बारे में अभी हम देखने वाले हैं कि दोस्तों किस पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पे चाहिए आपका। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए दोस्तों यहाँ पे उन्होंने बैचलर ऑफ पैरामेडिकल टेक्नोलॉजीज इन लेबोरेटरी में आपका एजुकेशन कंप्लीट होना चाहिए, अगर आपने बीएससी इन पैरामेडिकल टेक्नोलॉजीज में कंप्लीट किया है तो आप ये लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए यहाँ पे आवेदन कर पाओगे। और यहाँ तो फिर आपने बीएससी इन फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर आप पास आउट हो, यहाँ तो फिर आपने बायोलॉजी इन डिप्लोमा इन सर्टिफिकेट इन लेबोरेटरी में आपका आपने लिया हुआ है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप पैरामेडिकल में आपने बीएससी कंप्लीट किया है या तो फिर आपने बीएससी इन फिजिक्स और केमिस्ट्री में, अगर आपने एमएससी फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपने कंप्लीट किया हुआ है तो आप लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर पाओगे, आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। देन दोस्तों उसके बाद लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे टोटल पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी में आगे, देन उसके बाद अगर आपने बीएससी आपने फिजिक्स केमिस्ट्री में किया सेम यहाँ पे एजुकेशन चाहिए लेबोरेटरी असिस्टेंट एंड लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए। देन उसके बाद लाइब्रेरियन के लिए दोस्तों यहाँ पे मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएशन इन आर्ट कॉमर्स और साइंस में आपका
अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है तो वो कैंडिडेट यहाँ पे लाइब्रेरियन ये पद के लिए यहाँ पे आवेदन कर पाओगे, या तो वे प्रिपेयर फॉर एमएससी विद बायोलॉजी और जूलॉजी कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए दोस्तों यहाँ पे मिनिमम 10वीं पास आप होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने मिनिमम 10+ अगर आप पास आउट हो तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। सिर्फ आपको 6 मंथ का आपने लाइब्रेरी साइंस का कोर्स कंप्लीट किया होना चाहिए तो ही आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। आपका मिनिमम 10वीं पास + 6 मंथ का ड्यूरेशन में लाइब्रेरी साइंस का कोर्स तो ही आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट लाइब्रेरी के लिए दोस्तों यहाँ पे पास आउट डिग्री इन आर्ट साइंस कॉमर्स कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो 6 महीने का लाइब्रेरी साइंस का कोर्स, ऐसे लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए चाहिए। उसके बाद सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए दोस्तों यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी 12वीं पास आप चाहिए और मिनिमम 1 ईयर का आपने ट्रेनिंग लेना होना चाहिए हेल्थ एंड इंस्पेक्टर का। उसके बाद इलेक्ट्रो रेडियोग्राफी टेक्नीशियन के लिए दोस्तों यहाँ पे वैकेंसीज है, इसके लिए भी बीएससी पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी में आप पास आउट होना चाहिए, या तो फिर आपने बीएससी इन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या तो फिर आपने डिप्लोमा इन सर्टिफिकेट कार्डियोलॉजी में आप अपना आपका और साथ में आपने ईसीजी का आपने टेक्नीशियन कोर्स कंप्लीट किया हुआ है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। डायटिशियन के लिए दोस्तों बीएससी होम साइंस आप पास आउट होना चाहिए। देन फार्मेसी के लिए दोस्तों यहाँ पे मिनिमम 12वीं पास अगर आपको एंड आपने डिप्लोमा इन डिग्री फार्मेसी में कंप्लीट किया हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी यहाँ पे वैकेंसीज है, मिनिमम आप 10वीं पास होना चाहिए और 6 मंथ का अपने लाइब्रेरी साइंस का कोर्स कंप्लीट आपका होना चाहिए। देन उसके बाद जो सोशल सर्विस एंड सुपरिटेंडेंट के लिए दोस्तों वैकेंसीज है, यहाँ पे मास्टर डिग्री इन सोशल साइंस में आपका कंप्लीट होना चाहिए तो ही आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए दोस्तों वैकेंसीज है, जिसके दूर संचालन के लिए दोस्तों मिनिमम आप 10वीं पास होना चाहिए। देन उसके बाद आपको मराठी इंग्लिश हिंदी का नॉलेज होना चाहिए और आपने कहीं एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग आपने टेलीफोन ऑपरेटर का आपने कहीं आपको एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाओगे दोस्तों। साथ में यहाँ पे महिला अधीक्षक के लिए यहाँ पे वैकेंसी, इसके लिए मिनिमम 4 इन डिग्री इन स्टेटरी यूनिवर्सिटी आपने कहीं से भी आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होना चाहिए। जिसके बाद सोशल वर्क का 2 ईयर्स का इंस्टीट्यूट का अप्रूवल गवर्नमेंट आपने अगर बीएसडब्ल्यू या एमएसडब्ल्यू कंप्लीट किया हुआ है तो कैंडिडेट भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए भी वैकेंसी है, जो कैंडिडेट बीएससी इन पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी में आपका डिग्री कंप्लीट है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यहाँ से फिर आपने बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री, यहाँ से फिर आपने बायोलॉजी में आपका कंप्लीट है, यहाँ से आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया रेडियोग्राफी का, वो कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। सिर्फ आप में सिर्फ अगर आपने बीएससी कंप्लीट किया है प्लेन में और आपको 1 साल का एक्सरे टेक्नीशियन का आपके पास आपने कुछ सर्टिफिकेट्स कंप्लीट किए हुए तो कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। देन उसके बाद जो शिवकिरण सहायक के लिए भी वैकेंसीज है, बीएससी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद देख सकते हैं एक्सरे असिस्टेंट के लिए भी यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगा हुआ है तो यहाँ पे 1 ईयर का आपने एक्सरे असिस्टेंट का आपने कुछ कोर्सेज कंप्लीट किया होना चाहिए। देन उसके बाद दंत आरोग्य के लिए भी यहाँ पे मिनिमम 12वीं पास एंड डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीन रिकॉग्नाइज के लिए यहाँ पे वैकेंसी क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है। यहाँ पे फिजियोलॉजिस्ट के लिए भी वैकेंसी है, तो इसके लिए भी क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। डेंटल टेक्नीशियन के लिए भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया, आप देख सकते हैं पूरा क्वालिफिकेशन इसमें दिया हुआ है। अगर आप पूरा यहाँ पे डिस्कशन करके तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो एक काम करिए आप इसका लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल को वहाँ से मिल जाएगा, आप वहाँ से भी आप एक बार चेकआउट करके यहाँ पे पूरा क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सी वैकेंसीज के साथ यहाँ पे है तो आप पूरा यहाँ पे हम डिस्कशन नहीं कर पाएंगे, तो इसका लिंक हम दिए हैं आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे उच्च लघु लेखक यानी शॉर्ट हैंड के लिए यहाँ पे वैकेंसी, तो मिनिमम 10वीं पास आप होना चाहिए और आपका शॉर्ट हैंड स्पीड 120 वर्ड पर मिनट इतना होगा और साथ में आपने टाइपिंग कोर्स कंप्लीट किया है इंग्लिश और मराठी का तो आप यहाँ पे उच्च श्रेणी लघु लेखक के लिए यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे निम्न लघु लेखक के लिए भी 10वीं पास शॉर्ट एंड 100 स्पीड होना चाहिए और 30-40, देन उसके लघु लेखक के लिए 10+ शॉर्ट एंड 80 स्पीड और टाइपिंग 40-30 होना चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हो, देन साथ में यहाँ पे जो पोस्ट रिक्वायरमेंट फॉर द एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज उन्होंने डिटेल्स में यहाँ पे वैकेंसीज का दिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल प्रशिक्षण सहायक के लिए कितना वैकेंसी, जैसे 170 वैकेंसीज है तो उसके यहाँ पे कितना वैकेंसीज यहाँ पे रिजर्व है तो यहाँ पे पूरे डिटेल्स में दिया, जैसे प्रशिक्षण तंत्र सिंह के लिए कितना वैकेंसीज है। देन उसके बाद यहाँ पे ग्रंथपाल की कितना वैकेंसी, जैसे 12 वैकेंसीज है, तो OBC के लिए कितना वैकेंसी है, यहाँ पे पूरा डिटेल्स में दिया है। आप देख सकते हैं स्वच्छता निरीक्षक के लिए भी वैकेंसी, ECG के लिए दोस्तों टेक्नीशियन के लिए कितना वैकेंसी है, वैकेंसीज है तो उसमें कितना एससी के लिए कितना वैकेंसी है, 4 वैकेंसी एससी के लिए, एसटी के लिए 1 वैकेंसी है, बिना ओबीसी के लिए कितना वैकेंसी है, टोटल 36 वैकेंसीज है। देन आहार तज्ञ औषध निर्माता हो गया, देन साथ में डॉक्यूमेंट जो हमें इसके पहले जो देखे हुए हैं उसके बारे में पूरा डिटेल्स में यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर पूरा डिटेल्स में यहाँ पे उन्होंने बारकाई से यहाँ पे टोटली इन्फॉर्मेशन उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप
जिस कैटेगरी से आप वहाँ पे आवेदन कर पाओगे। तो आप जैसे सांख्यिकी सहायक के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी के दिए हुए हैं, उसके बाद दंत आरोग्य जो अभी हम इसके पहले जो देखे हुए हैं उसके बारे में पूरा डिटेल्स में यहाँ पे दिया हुआ है। आप इस बारे में यहाँ पे अगर पूरा डिटेल्स में आपने देखेंगे तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। तो आप इसका लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से पूरा चेकआउट कर सकते हैं आप कौन से पद के लिए कितना वैकेंसी अवेलेबल है। तो पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे सिंपी पद के लिए 15 वैकेंसी है, तो यहाँ पे कितना कौन से पद के लिए कितना वैकेंसी अवेलेबल है आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा डिटेल्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार हम इस वीडियो में देखेंगे, तो जैसे कि हम देखें उच्च श्रेणी लघु लेखक के लिए भी वैकेंसी 2 वैकेंसीज है, ST ST के लिए 1 वैकेंसीज है, OBC कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसीज है, ठीक है। देन उसके बाद जो निम्न लघु लेखक हमने देखे हैं जो 28 वैकेंसीज अवेलेबल है, तो यहाँ पे भी ST ST के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है, और साथ में यहाँ पे आयुष संचालन मुंबई के लिए यहाँ पे वैकेंसी टोटल जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे 146 वैकेंसीज जो निकली हुई दोस्तों। वाहन चालक प्रमुख तांत्रिक के लिए हो गया, विश्व तंत्री प्रशिक्षण तंत्रज्ञ, ऐसे बहुत सी वैकेंसीज यहाँ पे उन्होंने बल्क में वैकेंसी निकाली दोस्तों। तो पूरा डिस्कशन हम इस वीडियो में किए हुए, तो क्या एजुकेशन आपका चाहिए इसके बारे में भी हमने इस वीडियो में देखा है, तो वो भी आप देख कर वहाँ पे आवेदन कर पाओगे दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार हमने इस वीडियो में देखा है, तो कैसे लगे हमें कमेंट करके बताएं, और अब देखिए अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कीजिए।